नमस्कार, मैं हूं जगतपाल। आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र चुनाव का एक बेहतरीन आंकड़ा आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं। आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 2014 का जो चुनाव था उसमें 13 प्रत्याशी मैदान पर थे और मतदाताओं की संख्या थी 188,897। अब 2019 तमाड़ विधानसभा क्षेत्र जो 7 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें प्रत्याशियों की संख्या है 17, जिसमें से विकास कुमार मुंडा JMM, रीता देवी BJP, गोपाल कृष्ण पात्र NCP, राम दुर्लभ सिंह मुंडा आजसू, सुनील मानकी JDU, कुंदन पहान झारखंड पार्टी, प्रेम शंकर शाही मुंडा झाविमो, देवी सिंह मुंडा बसपा, किशोर कुमार भगत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, डालचन सिंह अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, सोनी ओरिया राष्ट्रीय महिला पार्टी, डॉक्टर प्रकाश चंद्र उराव इंडिपेंडेंट निर्दलीय, बलिराम मुंडा निर्दलीय, हराधन सिंह मुंडा निर्दलीय, संजय सिंह मुंडा निर्दलीय, लक्ष्मी मुंडा निर्दलीय और रक्षितेश कुमार सिंह झारखंड पार्टी सेक्युलर। ये वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएंगे और अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कयास लगाया जा रहा था कि कुंदन पहान को झारखंड पार्टी के तरफ से टिकट नहीं मिला है, ये संशय की स्थिति पैदा थी। न्यूज चैनल्स के माध्यम से क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि कुंदन पहान झारखंड पार्टी से चुनाव नॉमिनेट कर चुके हैं, उसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और झारखंड पार्टी से ही वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2014 के तमाड़ विधानसभा चुनाव के दौरान 13 प्रत्याशी मैदान में थे जिन्होंने अपने वोटिंग से प्रत्याशियों का चुनाव किया था। उनमें से 188,897 वोटरों की संख्या थी। 2019 की जो चुनाव है, जो आगामी 7 दिसंबर को होने वाली है, इस चुनाव में 206,322 मतदाता वोट करेंगे और इनमें से लगभग 102,454 महिलाओं की संख्या है और 103,860 पुरुषों की संख्या है और कुल बूथों की संख्या है 302। अब इन तमाम मतदाताओं के हाथ में यह है कि आने वाले चुनाव में कौन उम्मीदवार को जिताया जाएगा या नहीं, लेकिन इस मामले में यह कयास लगाया जा रहा है कि राजा पीटर, विकास कुमार मुंडा, राम दुर्लभ सिंह मुंडा और रीता देवी, ये 4 ऐसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं जिनके बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है और ये कयास लगाया जा रहा है कि इन चारों के बीच बहुत बड़ी चुनाव का दंगल होगा। लेकिन कुंदन पहान एक ऐसा उम्मीदवार है, एक ऐसा कैंडिडेट है जिनका नाम आते ही पूरे क्षेत्र में एक अलग ही रूप आ गया है। कुंदन पहान, राजा पीटर, विकास कुमार मुंडा, राम दुर्लभ सिंह मुंडा और रीता देवी, इन 4-5 कैंडिडेट्स का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अब आने वाले वक्त में ये बताया जाएगा या देखा जा सकता है कि किस उम्मीदवार को वोट करती है जनता और जिताती है जनता।